अध्यक्ष महोदय, मुझे राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बिल पर 2021 पर आपने भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इस बिल पर मुख्य विधियों की विशेषताओं पर अपने विचार रखूं, इसके पूर्व वाडा के बारे में सम ऑफ द मेंबर वांटेड टू नो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है। वाडा के बारे में बात रखूंगा महोदय। वाडा जिसकी या दिस कॉल वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा या वाडा वाडा नॉट वाड्रा हेलो ये 1999 में हुआ था। खैर, दुखद ये है अध्यक्ष महोदय कि आज हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि आज ये ओलंपिक का एक जुनून छाया हुआ है इस देश में। वो अद्भुत है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर में अनुराग जी हैं, किरण रिजिजू जी रहे थे, उनको धन्यवाद कि हम लोगों ने एक अद्भुत पारी खेली जो पिछले ओलंपिक में जो मेडल्स हम लेके आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि आज इस बिल को लेके आए, ये डोप क्यों, 65% ऑफ यूथ वी हैव, ये डोप कहाँ से आ गया? हमारे कुछ धावक पहले भी थे, कुछ धावक एक माननीय अपा हाउस में हमारी पीटी उषा जी भी आई हैं, मैरी कॉम जी भी हैं, हमारी सरकार ने उनको भी मौका दिया। ये खिलाड़ियों को बहुत सारे मौके हैं, हमारा मिल्खा सिंह भी रहे हैं, लेकिन ये ड्रग्स, ये डोप आता कहाँ से है? मुझे भी जैसे कुछ माननीय सांसद हमारे मित्र ने कहा था कि बॉडी बिल्डिंग मैं भी करता हूँ, मुझे कहा था तुम्हें सिक्स पैक चाहिए तो तुरंत एक ऐसे इंजेक्शन आते हैं, 2.5 महीने में तुमको सिक्स पैक आ जाएगा। सो 2.5 महीने में सिक्स पैक आते हैं और उसकी कीमत बहुत है, और ये पूरे देश के हर जिम में हर कोच के पास इसका नाम है। ये ड्रग्स आते कहां से हैं, ये कोच ट्रेन क्या करते हैं, ये कोच कौन है, ये कौन से देश की साजिश है कि हमारे यूथ को खत्म करें, हमारे स्पोर्ट्स को खत्म करें? ये शॉर्टकट वाला स्पोर्ट्स क्या है, ये शॉर्टकट से क्या जीतना? और शर्म आनी चाहिए कि ऐसी जीत के जो आप इंजेक्शन शॉट मार के भाग रहे हो और आप जीत रहे हो और मेडल पा रहे हो। बड़ा दुखद है सर कि आज हम आयुर्वेदा और इस ऐसे भारत में जहां योग और आयुर्वेद के लिए ये भारत जाना जाता है, वहां हमको ड्रग्स, इस योद्धा शरीर में ड्रग्स की जरूरत पड़ी। ऐसी मिट्टी जहां बारिश भी होती है, हमारे यहां इस भारत में 3 सीजन है, वी डोंट नीड ऑल दिस। सो हम लोगों को वी नीड, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मैं एक दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वी नीड अ गुड कोच, वी नीड अ काउंसलर, वी नीड अ पीपल जो उनको जुनून पैदा करे तिरंगे के लिए, जुनून पैदा करे देश के प्रेम के लिए, राष्ट्र के प्रेम के लिए, उसको जीतने के लिए, ना कि वी नीड अ ड्रग टू रन। एंड अदरवाइज मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ। एंटी डोपिंग नियमों को लागू करते हुए इस देश में खेलों को डोप से मुक्त कराने के लिए, खेल डोपिंग के लिए, अध्यक्ष महोदय, चूंकि बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग के बोर्ड डिस्पेंसरी इत्यादि के बारे में ब्यौरा दिया गया, इसीलिए मैं इसके क्लॉजेस पे समय नहीं लगाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के आलोचक प्राय आरोप लगाते हैं, चूंकि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संगठन जनहित से कार्यरत है, कठोर रेगुलेशन को खेलों में क्रियान्वित करना, इसलिए इन्हें पूरी ऑपरेशनल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। परंतु इस बिल में जो प्रावधान है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि नाडा केंद्र सरकार से स्वतंत्र होगा। अब अध्यक्ष महोदय, मेरी छोटी बिटिया भी, शी इज अ शूटर, माननीय हमारे सांसद जी राजवर्धन जी, इन्होंने अभी इनको सम्मानित भी किया, तो मेरी बिटिया भी स्पोर्ट्स में आना चाह रही है, मेरी बिटिया भी फौज में आना चाह रही है। अब मेरे बच्चे या मेरे देश के अनगिनत बच्चे, गांव देहात के बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, हाईवे पे दौड़ते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं, दाल रोटी खा के मेहनत करते हैं, पुशअप्स मारते हैं और कई दंड मारते हैं, और उसके बाद वो जब तैयारी करने जाते हैं, जैसे कि माननीय सांसद हमारी नौनीत जी ने कहा कि वहाँ पर एक शहरी लड़का या कुछ पैसे जिसके पास हैं वो डोप लेके खड़ा है और वो तेज दौड़ रहा है क्योंकि उसने इंजेक्शन के शॉट अपने पैर में मारे हैं या बगल में, वेर एवर दे टेक द शॉट, इट्स वेरी सैड। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, वी नीड अ काउंसलर। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, वी नीड अ कोच जो जुनून पैदा करे, वी नीड जुनून, ये देश में जुनून देंगे जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं और देश दौड़ने लगता है और देश चलने लगता है, वी डोंट नीड ऑल दिस। तो ये बातें रहे, और मैं अध्यक्ष महोदय, एंटी डोपिंग दुनिया के अंतित गतिशील होता है, समय समय पर नए इसके प्रतिबंध पदार्थों में प्रक्रियाओं यानी महानिर्देशक क्वालिफिकेशन होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक विशाल देश है, वर्तमान हमारे देश में केवल राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मैं दरख्वास्त करूंगा, मंत्री महोदय से, कि डोपिंग टेस्ट के लिए अधिक राष्ट्रीय डोपिंग लेबोरेटरी स्थापित करें, बिकॉज वी हैव वेरी लेस।
एंड फ्यू। मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्राप्त हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में नाडा के बिल माध्यम से यथापक्षित सुधार लाने में सफल होगी। वाडा के रेगुलेशन के साथ सामंजस्य पैदा करने में नाडा एंटी डोपिंग मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित होगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। The deliberation is complete. Now I ask the Honorable Minister.